गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू पार्थ ऑनलाइन क्लासेस. चिल्ड्रन, एज यू नो दैट वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर ऑफ सोशल स्टडीज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन अवर लास्ट क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू समराइज द चैप्टर, मतलब हम चैप्टर का रिकैप लेंगे, द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर की हम रिकैप करेंगे. फर्स्ट वील स्टार्ट विद लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? एज आपको ऑलरेडी पता है, लैटिट्यूड्स जो हैं इमेजिनरी पैरल लाइन्स हैं दैट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो पैरल लाइन्स जा रही हैं और इमेजिनरी हैं, वी कैन नॉट सी देम. दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स विच आर पैरल टू ईच अदर. दीज आर ऑल लैटिट्यूड्स विच रन पैरल टू ईच अदर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. नाउ चिल्ड्रन, देयर आर मेनली सेवन लैटिट्यूड्स. फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल, देन इज आर्कटिक सर्कल, देन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, then comes equator, then is tropic of capricorn, after that antarctic circle and south pole. main to ye seven latitudes hain, lekin total mein 181 hain. ye jo center mein line ja rahi hai ye earth hai, ye earth ka upar wala part hai aur ye earth ka niche wala part hai. jo ye longest line ja rahi hai, longest latitude ko bolte hain equator. to ye equator hai. तो इक्वेटर के ऊपर भी 90 लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर के नीचे भी 90 लैटिट्यूड्स हैं. तो 90 प्लस 90 बने 180 और 1 हो गया इक्वेटर का, तो टोटल कितने बन गए 181. और लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है इक्वेटर. जैसे कि आप देख सकते हो कि लाइंस जो हैं जब पोल्स की तरफ जा रही हैं तो इनकी लेंथ जो है डिक्रीज होती जा रही है. और इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में जो पार्ट है अर्थ का उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इक्वेटर इट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फेयर. सो द लाइन्स विच आर पैरल टू ईच अदर आर नोन एज लैटिट्यूड्स. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट पार्ट इज लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? दीज आर द वर्टिकल लाइन्स. अब देखो ये अर्थ है, ये वर्टिकल लाइन्स हैं जो कि फ्रॉम दे आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अब ये अनलाइक लैटिट्यूड्स, दे आर नॉट पैरल, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन पोल एंड इमर्जिंग टू नेक्स्ट पोल. मीन्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं और दूसरे साउथ पोल में ये आप देखो मर्ज हो रही हैं. सो दीज आर नॉट द पैरेलल लाइंस. जो ये सेंटर में एक लॉन्गेस्ट लाइन जा रही है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. और बच्चों लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी बोलते हैं. लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस. एंड द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. अनलाइक लैटिट्यूड्स, दे आर नॉट पैरेलल. लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज प्राइम मेरिडियन और जीरो डिग्री. इसका जो मेजर है वो जीरो डिग्री का है. एंड देयर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स टोटल में कितने हैं? 360 हैं. इस तरीके से 360 हैं पूरे अर्थ में. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस. सो लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइन्स, दीज आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइन्स दैट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. चिल्ड्रन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ग्रिड. ग्रिड क्या है? ऑन अ मैप और अ ग्लोब द लाइन्स विच आर क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर मेक्स अ ग्रिड. अब हमें पता है कि लैटिट्यूड्स क्या हैं, वो पैरल लाइन्स हैं, और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं लैटिट्यूड्स जो हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वर्टिकल लाइन्स हैं. अब ये लाइन्स आपस में जहाँ पे आपस में टच करते हैं, क्रॉस करते हैं दूसरे को, एक तरीके से प्लस बनाती हैं, तो ये दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स. और ग्रिड का क्या मेन फंक्शन है? टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ. अब हमें पता है कि हमें कहीं जाना है, अब हम लोगों से एड्रेस नहीं पूछते हैं, हम अपना GPS ऑन करते हैं एंड वी इजली गो टू दैट प्लेस. एग्जैक्टली हमें उसी जगह पे जाके जो है वी कैन इजली रीच. तो ये किसकी हेल्प से है? विद द हेल्प ऑफ ग्रिड सिस्टम. ग्रिड क्या है? जो ये पॉइंट है जहाँ ये लाइन्स आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो जो पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, विच टेल्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ. अर्थ सरफेस में कहीं भी हमें जाना हो, दिस सिस्टम हेल्प्स टू लोकेट द प्लेस. सो इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड्स, वी स्टडीड अबाउट लॉन्गिट्यूड्स एंड वी स्टडीड अबाउट ग्रिड. विद दिस आवर चैप्टर इज कम्प्लीट. थैंक यू.